आज 15 नवंबर 2019 महाराष्ट्र के इतिहास में और मैं तो कहूँगा कि भारत भर में कपास के किसानों के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन आज ये महाराष्ट्र भर में से ये 13 FPO हमारे साथ आज कॉटन गुरु के साथ जुड़े हैं इस मिशन में कि हम अब जिस सिचुएशन में है उससे बहुत आगे जाने वाले हैं। हम कपास की खेती को किसी भी हालत में प्रॉफिटेबल नफाकारक बनाने वाले हैं और हम इंडस्ट्री को और सरकार को CCI के रूप में जब उनकी खरीदी होगी और भारत भर के जिनस को जिस तरह का कपास चाहिए उस तरह का उनकी डिमांड का कपास, उनकी ज़रूरत का कपास, हम उनके स्पेसिफिकेशन का कपास उनको लाके देने वाले हैं। हमारे को उतना ही चाहिए कि जो हमारे कपास के योग्य भाव है वो हमें मिलने चाहिए। कपास की वैल्यू हम जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, इस बात को आज हम पूरी तरह मान चुके हैं। तो आज ये महाराष्ट्र भर के FPO का आह्वान है भारत भर के कॉटन की इंडस्ट्री को और भारत भर के जिनस को कि हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। आज इस कॉटन गुरु की मीटिंग में हमने ये निश्चय कर लिया है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्री को जो चाहिए वो करना है। तो एक बहुत ही बड़ा निर्णय आज जो हुआ है कि CCI को ये FPO के माध्यम से अप्रोच किया जा रहा है कि CCI को जो चाहिए वो कपास समूह में ये सब FPO लाके देंगे। CCI को इनको थोड़ा प्रिफरेंस देना होगा और जितने भी APMC है महाराष्ट्र में उनको एक मैंडेट, एक सूचना उनको लिखित में देनी होगी कि इनको जल्दी से जल्दी रजिस्टर किया जाए और इनको प्रिफरेंस दी जाए। आइडियली हर APMC में FPO के लिए एक सीट होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ इन्हीं किसानों के समूह ने, FPO के समूह ने जिनर इंडस्ट्री को ये आश्वासन दिया है और इसका जल्द से जल्द एक MOU होने जा रहा है भारत भर के अच्छे जिनरों के साथ में कि क्वालिटी कंट्रोल कॉटन, कंटेमिनेशन कंट्रोल कॉटन, ये सब FPO मिलके अपने फार्मर्स को ट्रेन करके इन जीनिंग फैक्ट्री में लाके देंगे और उन जीनिंग फैक्ट्री की तरफ से आज जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं SSV श्यामजी अग्रवाल, रिद्धि सिद्धि कोटेक्स औरंगाबाद महाराष्ट्र की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि उसका वैल्यू करके उनको इंसेंटिवाइज वो जरूर करेंगे। और ऐसा आश्वासन बहुत सारे जिनर्स ने हमको दिया है, पंजीत ग्रुप से हमको ये आश्वासन मिला है, लक्ष्मी कॉटन ग्रुप से मिला है, बहुत सारे जिनर इसमें जुड़ने के लिए तैयार है। उनको एक एक किसान से बात करने की ना फुर्सत है ना उनमें उनके पास इतना मैन पावर है, लेकिन अगर इन किसान का समूह मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कितने FPO है, 13 FPO, 5,507 किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं, 26,000 एकड़ में इनका क्षेत्र है और 2,00,000 क्विंटल ये कपास उत्पादन इतने लोग मिलकर कर रहे हैं। ये तो खाली प्रतिनिधित्व कर रहे इतने सारे किसानों का, इनको देख के जो किसान जुड़ेंगे वो इससे 10 गुना ज़्यादा होंगे। तो आज हम सबका ये सामूहिक निर्णय है कि हमें इंडस्ट्री को जो चाहिए, सरकार को चाहिए, वो कपास लाके देना है, उसी गुणवत्ता का कपास हमें उनको लाके देना है। और हमने उनसे अपेक्षा है कि हमने जो हमारे खेत में जो खर्च किया है, हमने जो मेहनत के पीछे खर्च किया है, माल लाने के पीछे खर्च किया है, अच्छा माल बनाने के पीछे जो खर्च किया है, उसको छोड़ के कुछ न कुछ नफा हमें मिलना चाहिए। सही है कि नहीं? सही जी। आपको कितना तेल जो भी एवरेज कपास से और हल्के कपास से आपकी पाँच पाँच 10-10 करोड़ की 7 जीनिंग फैक्ट्रियाँ हैं भारत भर में, तो ये आपको पेन अगर दूर हो जाता है, आपकी रात की चैन की नींद आपको आती है कि मेरे इधर कल अच्छा कपास ये आने वाला है और ऐसा 2,00,000 क्विंटल कपास आसपास से आने वाला है, तो आपको कितनी सहूलियत हो जाएगी, आप कितना कपास एक्सपोर्ट कर पाओगे, कितना सूता एक्सपोर्ट कर पाओगे, तो आपके लिए भी ये बहुत सुविधाजनक और फायदाकारक संधि होगी। तो इस ऐतिहासिक दिन के ऐतिहासिक निर्णय के लिए सभी का एक ही मन, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान।